नमस्कार दोस्तों। तो वार्षिक करंट अफेयर्स एमसीक्यू की क्लास चल रही है और आज ये तीसरी क्लास होगी इसकी, और इसमें हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले एक साल में चर्चा में रहे हैं, जो घटनाएं उन्हीं पे एक प्रश्न और फिर उनसे जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी जो परीक्षा में आपसे पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, उन पर ही हम चर्चा करेंगे। तो फिर देखते हैं कि आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस क्लास का, क्वेश्चन है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023। ऐसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है, इस तरीके के प्रश्न फेवरेट होते हैं यूपी पीसीएस कमीशन के, ठीक है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, वो कौन सी संस्था है जो इस रिपोर्ट को जारी करती है, ये मेरे प्रश्न हैं। लेकिन एग्जाम में इससे अलग भी और प्रश्न बन सकते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। विश्व बैंक जारी करता है इस रिपोर्ट को, या फिर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA, या फिर विश्व आर्थिक मंच या विश्व व्यापार संगठन। तो ध्यान रहे दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच, पिछली क्लास में अगर आपने देखा हो तो मैंने विश्व आर्थिक मंच के बारे में बताया था कि ये 3 से 4 रिपोर्टें मैंने आपको लिखवाया था, उन्हीं में से एक रिपोर्ट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ठीक है। इस रैंकिंग में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई, इसमें कितने देश शामिल थे, भाई सभी देशों को रैंक प्रदान किया गया, और उन देशों में 120 देश शामिल हुए हैं, 120 देश, ठीक है, 120 देशों को रैंकिंग दिया गया है। इस रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना भरपूर है इसकी। तो भारत की जो रैंकिंग है 120 देशों में 67वीं रैंकिंग है, ठीक है, 67वीं रैंकिंग भारत की है, 67। और भारत 2021 में कहां पर था, 115 देशों में, देखो पिछली रिपोर्ट से भी प्रश्न बन जाते हैं, 115 देशों में भारत 87वें स्थान पर था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस बार कौन टॉप पर है 2023 में, शीर्ष स्थान जो प्राप्त हुआ है, शीर्ष स्थान वो स्वीडन को मिला है, स्वीडन पहला दूसरा तीसरा स्थान याद रखना आपके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रश्न बन जाते हैं और फिर बाद में ये होता है कि थोड़ा सा इसको देखे होते तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये हमेशा आते रहते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। स्वीडन के बाद में फिर दूसरी रैंक है डेनमार्क की, तीसरे स्थान पर नॉर्वे है, चौथे स्थान पर फिनलैंड। एक खास बात और इसमें आपने देखा होगा कि अगर पिछली बहुत सारी रिपोर्टें देखें तो ये जो तीन देश हैं ये पिछले एक दशक से टॉप पर रह रहे हैं, टॉप थ्री में, ठीक है, टॉप थ्री में यही रह रहे हैं, कौन, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। इस रिपोर्ट में पिछले एक दशक से इन्हीं का कब्जा है पहली दूसरी और तीसरी रैंक पर। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व आर्थिक मंच जारी करता है रिपोर्ट को, शीर्ष स्थान पे स्वीडन है, डेनमार्क है, फिर उसके बाद नॉर्वे और फिनलैंड, 120 देशों को रैंकिंग दी गई जिसमें भारत की रैंकिंग 67वीं है, 2021 में 115 देशों में भारत की रैंकिंग 87वीं थी। अगला प्रश्न है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023। ये ध्यान रखिएगा कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है। एक तो क्वेश्चन आपका ये होगा कि ये सूचकांक कौन जारी करता है। क्वेश्चन मैंने जो पूछा है, सबसे अशांत देश कौन सा है, सबसे अशांत देश, ये रिपोर्ट जो है ये सूचकांक जो बताता है कि किसी देश में शांति कितनी ज़्यादा है, सुकून कितना है, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, आंतरिक संघर्ष नहीं हो रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर के ये रिपोर्ट जारी की जाती है, रैंकिंग जारी की जाती है। तो सबसे अशांत देशों में कौन सा है देश जो सबसे ज़्यादा अशांत है, सीरिया है या अफगानिस्तान या यूक्रेन या फिर इजराइल। तो ध्यान रहे दोस्तों, अफगानिस्तान इस सूचकांक में सबसे अशांत देशों की सूची में टॉप पर है। इस रैंकिंग में और कुछ जानकारी देख लिया जाए तो 163 देश शामिल हुए हैं, 163 देश इसमें शामिल हुए हैं, 163 में अफगानिस्तान जो कि आप देख रहे हैं ये तालिबान की वजह से अशांति में सबसे टॉप पर पहुंच गया, अफगानिस्तान सबसे अशांत देश है, सबसे अशांत। तो फिर सबसे शांत देश कौन सा, सबसे शांत देश जो है जहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस नहीं है वो आइसलैंड है, ठीक है, आइसलैंड। दूसरा स्थान देखा जाए तो डेनमार्क है, तीसरे स्थान पे आयरलैंड है, ठीक है, कभी क्रम लगाने के लिए दे देता है एग्जाम में,
पहला, दूसरा और तीसरा, चौथे स्थान का क्रम लगाइए चौथे देशों का, और इसके बाद में चौथा देश जो है वो न्यूजीलैंड है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भारत 126वें स्थान पर है, ठीक है, 126वें स्थान पर भारत है। पिछले वर्ष भारत किस स्थान पे था? पिछले वर्ष 135वें स्थान पर था भारत, ये भी ध्यान रखिएगा। आने वाली जो इसकी अगली रिपोर्ट होगी उसमें भारत की रैंकिंग थोड़ी सी और ख़राब हो सकती है, क्योंकि इस साल जब ये रैंक तैयार किया गया होगा रिपोर्ट तब तो सब ठीक ही था, बट अभी जो हालात बने हुए हैं देश के 3 से 4 जगहों पर सांप्रदायिक दंगों की जो स्थिति रही है उनको देखते हुए यही लगता है कि अगली बार की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। मणिपुर का मुद्दा तो अभी भी चल ही रहा है, इधर पश्चिम बंगाल में दंगे हुए, तो ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं कहीं ना कहीं भारत की इमेज को इस रैंकिंग में बिगाड़ेंगे। देखते हैं अगली रिपोर्ट जब भी आती है क्या रैंक मिलती है भारत को, फिलहाल इसे आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि 43वां आसियान शिखर सम्मेलन, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है, भारत में, लाओस में, वियतनाम या फिर चीन? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि 42वां तो अभी हुआ है इंडोनेशिया में, आप सब जानते हैं, लेकिन 43वां भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे होना है। तो ध्यान रहे कि 43वां जो शिखर सम्मेलन है आसियान देशों का वो लाओस में होना है। कहाँ पे? लाओस में। अगर 42वें की बात की जाए, क्योंकि ज़्यादा संभावना है 42वें पे भी प्रश्न आपके बन जाए, तो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया में लाबुआन शहर में, ठीक है। 42वें आसियान की अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, ये इसकी अध्यक्षता किए थे 42वें शिखर सम्मेलन के। समय कब रहा है, कब से कब तक हुआ है ये सम्मेलन? 9 से 11 मई के बीच में हुआ है, मई के बीच में आयोजन हुआ, ठीक है। ये 42वें शिखर सम्मेलन की बात कर रहे हैं। अगर 42वें का जो थीम है, कभी कभी आपसे थीम दे देता है, पूछ लेता है, तो ध्यान रहे आसियान मामले विकास का ऊपरी केंद्र, मतलब एपी सेंटर। ये जो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ उसकी थीम है आसियान मामले विकास का ऊपर केंद्र। 2022 का शिखर सम्मेलन हुआ था आसियान का, उसमें तिमोर लेस्ते को एक इसका सदस्य बनाने पर विचार किया गया था, और 2023 में तिमोर लेस्ते को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया, ठीक है। इसमें ध्यान रहे कि जो तिमोर लेस्ते है, कभी पूछ सकता है पर्यवेक्षक कौन रहा है, तिमोर लेस्ते को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। अभी पूर्ण रूप से सदस्य नहीं हुआ है, लेकिन सदस्य भी अगली बार में संभावना है कि हो जाएगा ये देश। तो एक नया हुआ है जो इस सम्मेलन में, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? कानून बनाकर सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला ये पहला राज्य है राजस्थान, ये आप लिख सकते हैं। कानून बनाकर सामाजिक सुरक्षा देने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, ये राजस्थान ने ऐसा किया है, आप ध्यान में रखिएगा। आरओ एग्जाम में चूंकि तुरंत एक ही लाइन में क्वेश्चन पूछ लेगा, न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश करने वाला देश का पहला राज्य, तो पहला राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग भारत के किस शहर में बनी है? ये प्रश्न आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है, तो ध्यान रहे कि सूरत में इस बिल्डिंग का उद्घाटन होना है, सूरत में ये बिल्डिंग बनाई गई है। सूरत डायमंड बोर्स के नाम से ये बिल्डिंग जानी जाएगी, सूरत डायमंड बोर्स के नाम से, ठीक है। नवंबर 2023 में, यानी आने वाला जो नवंबर है, नवंबर 2023 में उद्घाटन होगा इस बिल्डिंग का। कभी प्रश्न पूछ सकता है कि इससे बड़ी, फिलहाल तो सूरत डायमंड बोर्स सबसे बड़ी हो गई, लेकिन सूरत डायमंड बोर्स से बड़ी बिल्डिंग इससे कौन सी थी? इससे पहले जब ये बिल्डिंग नहीं थी तब दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कौन सी थी? अमेरिका की पेंटागन,
ध्यान रहे, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अमेरिका का पेंटागन बिल्डिंग है, अब ये चूँकि दूसरे नंबर पर आ जाएगी क्योंकि पहले नंबर पे सूरत है। पेंटागन बिल्डिंग यूएसए के एरलिंगटन शहर में बनी हुई है, 1943 में बनी थी ये बिल्डिंग, ठीक है। और जो भारत में बनी है ये 2023 में इसका नाम आएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा किस राज्य में या किस शहर में शुरू किया गया है। यहाँ से एक प्रश्न ये बन सकता है, ध्यान रहे कि केरल के कोच्ची में पहली वाटर मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 25 अप्रैल 2023 को किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का शुभारंभ कब किया गया या उद्घाटन कब हुआ, तो वो तारीख भी ध्यान रखिएगा 25 अप्रैल 2023 को और वो शहर जहां पे ये सेवा प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में लिथियम के भंडार प्राप्त हुए। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले थे, लेकिन हाल ही में फिर खोज किया गया है कि भारत के राजस्थान जिले में लिथियम के ठीक ठाक भंडार मिले हैं जो कि भारत की 80% ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। 80% से ज़्यादा ज़रूरतों को सिर्फ इस जगह से, राजस्थान से जो भंडार मिले हैं वहाँ से पूरी की जा सकती है। ये राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना में मिला है, नाम पूछ सकते। चार्जेबल बैटरी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, चार्जेबल बैटरी बनाने में, ठीक है। और लिथियम एक अलौह धातु है। अगला प्रश्न है कि देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बिहार के पटना, कर्नाटक के धारवाड़ और गुजरात के सूरत में। तो ध्यान रहे कि ये कीर्ति कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिली है। एक स्टेशन है श्री सिद्ध रूढ़ा स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन। थोड़ा सा लंबा नाम है लेकिन ध्यान रहे। अच्छा, स्टेशन और प्लेटफॉर्म दोनों अलग चीज़ है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न में आपसे पूछे सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो इस स्टेशन पर है, ठीक। वो स्टेशन ये है और ये कर्नाटक के धारवाड़ ज़िले में है। इसकी लंबाई जो है वो 1507 मीटर है। कितना? 1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, अब तक का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ये भारत में। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। 2 मार्च 2023 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया, ठीक है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और है, वो भी आप देख लीजिए कि यहीं कर्नाटक के धारवाड़ में ही देश के पहले इको फ्रेंडली ग्रीन IIT कैंपस का भी उद्घाटन किया गया। कब? 12 मार्च 2023 को। कौन किया? मोदी जी द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये भी पूछ सकता है प्रश्न कि देश के पहले इको फ्रेंडली ग्रीन IIT कैंपस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ या वो किस जगह पे है, किस राज्य में है। तो ध्यान रहे कि कर्नाटक के धारवाड़ में। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ओके।